गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा दो में विषय संस्कृत। संस्कृत में पढ़ेंगे हम पाठ तीन, तृतीय पाठ है, तृतीय पाठ का पहला भाग। इसमें पढ़ेंगे हम सर्वनाम के पद, सर्वनाम पदानी। इससे पहले हम क्या पढ़े थे, संज्ञा पदानी और क्रिया पदानी। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम पदानी। पहला है ऐसे, ऐसे यह, ऐसे का मतलब क्या है, यह है, यह और ये दोनों, ये किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए। किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए। ऐसा यह, ऐसा का मतलब यह है और ये दोनों ही होता है, और ये किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए। ऐसे पुल्लिंग के लिए, ऐसा स्त्रीलिंग के लिए। नेक्स्ट है एतत, एतत एतत मीन्स भी यह है, यह आता है नपुंसक लिंग के लिए। किसके लिए आता है, नपुंसक लिंग के लिए। फिर है के, के का मतलब है कौन, के, के का मतलब कौन, यह आता है पुल्लिंग के लिए। किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए। का मतलब कौन, यह आता है स्त्रीलिंग के लिए। का मतलब कौन, ये स्त्रीलिंग के लिए। फिर है किम, किम का मतलब है क्या, किम का मतलब क्या है, क्या। इसके उदाहरण है ऐसे कृष्ण, ऐसा राधा, ऐतर मंदिरा। तो ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, ये नपुंसक लिंग के लिए, कृष्ण राधा मंदिरा। नेक्स्ट है ऐसे के, ये कौन, ये कौन है, ऐसे राम, क्या है, ऐसे राम, ये राम, राम है। ऐसे के, ये कौन है, ऐसे सूर्य, ये सूरज है। ऐसे के, ऐसे गुरु गोविंद सिंह है, ये गुरु गोविंद सिंह है। ऐसा का, अभी किसके लिए आ गया, ये तो आ गया पुल्लिंग के लिए। ये तीनों किसके लिए आ गए, पुल्लिंग के लिए। राम पुल्लिंग है, सूर्य पुल्लिंग है और गुरु गोविंद सिंह पुल्लिंग है। अब आ गया स्त्रीलिंग के लिए, ऐसा का मतलब यह है और का मतलब कौन, ये दोनों स्त्रीलिंग के लिए आते हैं। तो ऐसा दुर्गा माता, ये कौन है, ऐसा दुर्गा माता। फिर ऐसा का, ये कौन है, तो यह है ऐसा मीरा, ऐसा मीरा। फिर ऐसा का, ये क्या है, ऐसा माला, ये माला है। तो ये किसके लिए आया है, ऐसा, ये का होता है स्त्रीलिंग के लिए, ऐसा होता है, ऐसा भी स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो दुर्गा माता मीरा माला, ये क्या है, स्त्रीलिंग। फिर ऐतर किम, किम का मतलब मैंने बताया था क्या, ऐतर किम, ये क्या, क्या है, ऐतर पुष्पम, पुष्पम का मतलब क्या होता है, फूल, ऐतर पुष्पम, ये फूल है। ऐतर किम, ये क्या है, ऐतर उपनेत्रम, ऐतर उपनेत्रम का मतलब होता है चश्मा, उपनेत्रम का मतलब क्या होता है, चश्मा। तो ऐतर उपनेत्रम, चश्मा। ऐतक क्यों, ऐतक ग्रह, ये क्या है, ये मतलब क्या, ऐतक पुल्लिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए आता है ऐतक, इसका मतलब भी ये, ऐतक ग्रह, ये घर है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ऐसा तो आता है पुल्लिंग के लिए, ऐसा आता है स्त्रीलिंग के लिए, ऐतक आता है नपुंसक लिंग के लिए, के आता है पुल्लिंग के लिए, कौन, के का मतलब कौन, और का आता है स्त्रीलिंग के लिए, इसका मतलब भी कौन, किम का मतलब क्या। तो ये हमने सर्वनाम के पद पढ़े। अब बच्चों आपको बुक में फिल करना है, बुक में फिल कैसे करोगे, ये ऐसे के, ऐसे राम है, ऐसे के, ऐसे सूर्य, फिर है ऐसे के गुरु गोविंद सिंह है,
ऐसा का ऐसा दुर्गा माता, ऐसा का ऐसा मीरा, ऐसा का, तो इसमें क्या आएगा ऐसा माला। इधर है एतक किम, ये नपुंसक लिंग के पद है। एतक किम, एतक पुष्पम, यह है एतक किम, एतक उपनेत्रम, एतक उपनेत्रम, एतक किम, एतक ग्रहम, ये सब आपको बुक में पढ़ना है। आज हमने क्या पढ़ा, सर्वनाम के पद स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। ओके।